ओके सो हे गाइस, व्हाट्स अप, वेलकम बैक टू माय YouTube चैनल। सो गाइस, कैसे हैं आप सभी? आई होप कि आप सभी एकदम बढ़िया होंगे। सो गाइस, मेरा नाम है करण एंड आज के इस नए वीडियो में गाइस मैं आप सभी को सिखाने वाला हूं गाइस कुछ इस टाइप की न्यू फोटो एडिटिंग। एंड गाइस, इस फोटो एडिटिंग में गाइस मैं कुछ बैकग्राउंड पेज जिसका मैं यूज करूंगा, जिन सभी का लिंक जो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमेशा की तरह मिल जाएगा, जैसे गाइस आप सभी को हर वीडियो में मिलता है। तो गाइस, आप लोग जो भी इजीली वीडियो देखने के बाद जाकर डाउनलोड कर लेना। बाकी गाइस, अगर अभी तक आप सभी ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज यार वीडियो को एक लाइक जरूर कर देना, और अगर चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लो। बाकी चले गाइस, आज के इस नए वीडियो को हम बिना किसी रुकावट के स्टार्ट कर लेते हैं। सो गाइस, आप सभी को सबसे पहले तो इस बैकग्राउंड को डाउनलोड करना है, इसका जो लिंक है नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। उसके बाद गाइस आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को चले जाना है ऐसे ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइस यहां से ऐड करना है आप सभी को अपने मॉडल को। सो गाइस, यहां पे जो है मैंने मॉडल का बैकग्राउंड पहले से इरेज कर रखा है, ताकि गाइस आप लोगों को जो यहां पे वीडियो में मैं ना दिखाऊं, क्योंकि अगर मैं वीडियो में दिखाऊंगा तो गाइस आपको जो वीडियो काफ़ी लंबी लगेगी, फिर आप जो है वीडियो को ध्यान से नहीं देखोगे। तो बाकी अगर आपको नहीं आता तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा वीडियो का, तो आप उसको जाकर वॉच कर लेना। तो बाकी आपको अब करना क्या गाइस, आपको इरेजर टूल में जाना, अपने मॉडल को लेकर एंड इरेजर टूल में जाने के बाद आप यहाँ पे इरेजर का जो हार्डनेस ओपेसिटी है उसे कम कर लेना है, ठीक है गाइस, ताकि जो है अभी हमें यहाँ पे क्लाउड की तरफ से जो है हमें अपना मॉडल को इरेज करना है। जैसे गाइस यहाँ पे देखिए, इस तरीके से हम इरेज करेंगे यहाँ पे, बिकॉज गाइस कि ये दिखना चाहिए कि जो क्लाउड है हमारे जो है कपड़ों के इस साइड है, तो ये हल्का सा भी थोड़ा सा रहता है। तो गाइस आप लोग उसको अच्छे से एकदम ध्यान से करना, ठीक है, एकदम किसी जगह से रह ना जाए, ठीक है। तो उस तरीके से आपको इरेज कर लेना है फटाफट। तो मैं इसको करता हूँ, इतना हो जाने के बाद गाइज आप लोगों को फिर क्या करना है, आप लोगों को अपनी फोटो को डन कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना आपको दोबारा ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाने के बाद गाइज यहाँ से ऐड करना है आप सभी को एक विगनेट का पीएनजी, ठीक है, इसको पहले ऐड कर लेना है। एंड इसको ऐड करने के बाद जो आप सभी को करना है गाइज, जब आप उसको ऐड कर लोगे तो आपको सिंपली हमें फुल स्क्रीन करके इसको डन कर देना है। एंड उसके बाद आप सभी को फिर क्या करना है, आपको जाना है ऐसे अगेन ऐड फोटो में एक बारी, ठीक है, डन कर लेना पहले फोटो को, देन उसके बाद जाना आपको ऐड फोटो में। ऐड फोटो में जाना है गाइज, यहाँ से ऐड करना है आप सभी को एक लाइट का पीएनजी गाइज, ठीक है, उसको आपको कहाँ लगाना है वो भी मैं बता देता हूँ। तो आपको इसको सिंपली ऐड करने के बाद जो है पहले तो इसका ब्लेंडिंग मोड चेंज करना है आप सभी को, जो कि वो है यहाँ पे स्क्रीन, ठीक है, इसको चेंज करते हैं। एंड उसके बाद आप सभी को क्या करना है, आपको यहाँ पे गाइस कुछ इस टाइप से पीछे की साइड में इस तरीके से लगा देना है, ठीक है। एंड उसके बाद जो आपको अपनी फोटो को कर देना है डन। अब गाइस आपने इतना कर दिया, तो गाइस अब इसमें क्या करना है आप सभी को, आपको अपनी फोटो को यहाँ पे इसको सेव कर लेना है। एंड इसको सेव करके जो है यहाँ पे से आपको उसको लेके जाना है लाइट रूम ऐप में, ठीक है, इसको तो हम डायरेक्टली लाइट रूम ऐप में ऐड करते हैं, ठीक है। तो वहाँ से हम बताते हैं फिर आपको कैसे यहाँ पे कलर ग्रेडिंग करनी है। तो यहाँ पे हमने फोटो को ऐड कर लिया है गाइस, ठीक है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जाना पहले इस लाइट वाला ऑप्शन में, आपको यहाँ पे पहले तो उसका कॉन्ट्रास्ट कम करना है, हाईलाइट जो है गाइस इसको इंक्रीज़ कर देना है थोड़ा, एंड जो शेडो है इसको इंक्रीज़ कर देना है, एंड जो वाइट है इसको भी थोड़ा कम कर देना है, एंड जो ब्लैक है इसको यहाँ पे थोड़ा सा कम कर देना है। फिर चले जाना आपको कलर्स में, कलर्स में जाने के बाद आपको यहाँ पे वाइब्रेशन बढ़ा देना है, एंड जो टेम्परेचर इसको थोड़ा सा कम कर देना है। एंड उसके बाद चले जाना कलर मिक्स में, कलर मिक्स में जाने के बाद ऑरेंज कलर आपको सेलेक्ट करना है, सैचुरेशन आपको उसका माइनस कर देना है, एंड ल्यूमिनस थोड़ा सा बढ़ा देना है। इतना हो जाने के बाद आपको येलो कलर लेना है, इसका यू आपको यहाँ पे जो है माइनस प्लस की तरफ ले जाना है, एंड जो सैचुरेशन है इसको कम कर देना है। फिर उसके बाद आपको यहाँ पे लेना है ऐसे ब्लू कलर, आपको उसका सैचुरेशन माइनस कर देना है, एंड कर देना है डन। एंड उसके बाद आप सभी को चले जाना है ऐसे नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको यहाँ पे फोटो की क्लियरिटी इंक्रीज़ कर देनी है, फोटो में जो विगनेट आपको गाइस वो डाल देना है। एंड इसके नीचे मिलेगा आपको ग्रीन माउंट, आपको उसको बढ़ा देना है। एंड चले जाना आपको नीचे वाले टूल में, नीचे वाले टूल में जाने के बाद आपको फोटो की शार्पनेस इंक्रीज़ कर देनी है, फोटो में नोट ऑप्शन डाल देना है, नीचे मिले आपको कलर नोट ऑप्शन, आपको उसको भी बढ़ा देना है। तो फाइनली गाइस हमारी जो फोटो यहाँ पे कंप्लीट एडिट हो चुकी है। तो गाइस आशा करता हूँ आप सभी को वीडियो पसंद आई होगी, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को एक लाइक जरूर करना, और चैनल पर चैनल को सब्सक्राइब करना। बाकी चले मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।